यकीन नहीं होता कि वो सब हमारे बीच नहीं रहा। समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। पिछले 25 सालों से मैं जनता का राज के खिलाफ था। आई वॉज रॉन्ग। आईपीएस बनने के बाद सोचा कि लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा जरिया पुलिस की नौकरी है। लोगों के दर्द को खुशी में बदलने के लिए एक नेक दिल ही काफी है। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि तुम यहां रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, पर मैं ये कभी नहीं देख पाया कि यह गराज गराज नहीं, लोगों के दुख दूर करने वाला मंदिर है। हाल ही में हुए ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, पर इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर मैंने एक्शन लिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है, पर मुझे इस बात का डर नहीं है। डर इस बात का है कि और कितने लोगों की जान गंवाएंगे हम। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं मेरा दिल दहल जाता है। जनता गराज में ना जाने कितने लोग मदद मांगने आते हैं। पुलिस आज बेबस होकर जनता गराज के पास मदद मांगने आई है। अगर कभी जनता गराज बेबस होके आपके पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका यहां आने का मतलब इंसानियत और भलाई हार गई। आज हम आपके साथ हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट को ये जनता गराज सहारा देगा। कानून और जनता गराज ने हाथ मिला लिया है, अब तो उन्हें मौत भी नहीं बचा सकती। शहर के हर क्रिमिनल पर हमारी नजर बनी हुई है। ये लोग देख रहे हो, हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहां से आए और कहां हैं। स्टॉप, जूम इन और जूम करो, और करो। और नहीं हो सकता सर। कम ऑन, ट्राई। ये ले। चल अपनी चाल चल। में शामिल सारे लोग मारे गए। उन सबको जनता गराज वालों ने मार डाला। हमारे बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, पर बॉस हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। जनता गराज ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले सारे गुंडों को मार डाला। अभी हमारे बारे में पता नहीं चला है, पर मुझे डर है कि बहुत जल्द हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। बेहतर होगा अगर हम यहां से कहीं चले जाएं। बोस ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। किसने किया? राघव। कौन राघव? हमारा राघव, हमारा अपना। बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान करने वाले हर इंसान को उसके किए की सजा देकर आ रहा हूं।
वापस आते हुए मुझे बोस की जीप दिखी। मुझे जीप में बोस का फोन मिला और जब मैंने उसका फोन चेक किया तो उसका आखिरी कॉल किसी अननोन नंबर से था। वो नंबर एक लॉरी ड्राइवर का था। मैंने उससे फोन पे बात की और उससे मिलने चला गया। 6688 का लॉरी ड्राइवर कौन है? वो वहां पे है। क्या हुआ था उस दिन? भाई मैं उस दिन नागपुर से गाड़ी लेके वापस आ रहा था तो रास्ते में रुक के गाड़ी साफ कर रहा था, तभी मैंने वहां सत्यम भाई के बेटे को देखा। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने उनका पीछा किया। हेलो बॉस भाई, मैं 6688 ट्रक का ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है, आप कहाँ हो? गैरेज में हूँ। क्यों? मैं नागपुर रोड पर खड़ा हूँ, मैं गाड़ी रोककर उसे साफ कर रहा था तो मैंने देखा एक काली गाड़ी से राघव भाई उतरे। वो परेशान लग रहे थे तो मैंने उनका पीछा किया। ये बात किसी को मत बताना। तू कहाँ है इस वक्त? अगला ब्लास्ट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 10 दिन बाद हम ये धमाका करेंगे। ए, कौन है तू? अंदर कैसे आया? हैं? मैं पूछ रहा हूँ। ए, छोड़ो उसे। ये क्या है? राघव, तू क्या कर रहा है? गलत है ये। चल घर चल, चल। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? मेरे साथ घर चल। सत्यम भाई को कुछ नहीं पता, मैं उन्हें बताऊंगा भी नहीं। अब चल ना राघव, चल यहाँ से। उन्हें पता चल गया तो क्या, तुम सबको मार डालूंगा। तू क्या बात कर रहा है? होश में तो है? तू चल यहां से, चल ना। राघव, ये तो सही नहीं कर रहा है, तू चल यहां से। एक मर गया या जिंदा है, जो भी हो रेलवे ट्रैक पर फेंक दो इसे। क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। जनता गराज से बड़ा कोई नहीं, जो गलत काम करेगा उसे उसके किए की सजा मिलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो मेरा बेटा है, तुम उसे मार डालोगे? सुना आपने? एक बार उसे बुलाकर समझाने की कोशिश कीजिए, आप चाहे तो उसे थप्पड़ मारना, वो हमारा बेटा है, हम उसे समझाएंगे तो वो मान जाएगा। कितनी बार समझाया उसे, पर उसने मेरे खिलाफ जाने की ठान रखी थी। अरे जिसने बचपन में उसे अपने सीने से लगाया उसने उसे मार दिया, अब वो तुम्हारी या मेरी हरगिज नहीं सुनेगा। वो मेरा इकलौता बेटा है और तुम चाहते हो कि मैं उसे खो दूं? खोने गंवाने की बात तुम आनंद से ना करो तो बेहतर होगा। इसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, जिसने इसे बेटे की तरह पाला उसे जीते जी खो दिया, अपने प्यार को सिर्फ हमारी खातिर खो दिया।
अब इसके पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है पद्मा। वो हमारा बेटा है। मैं भी आपका बेटा हूँ, आपको माँ मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। वो हमारी गोद में पड़ा हुआ है, हम सब उसे समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएगा। बहुत देर हो गई है, सोचने समझने का वक्त गया, अब फैसला होगा। जोश में आकर कोई फैसला मत लो, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है सत्यम, और तुम उसे ही मारने की सोच रहे हो। एक करके किसी पेड़ की सारी शाखाएं भी क्यों न कट जाए, वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है। हम सिर्फ 3 लोगों को मारने आए हैं, अगर गिनती बढ़ाने का शौक है तो आ जाओ।